गुड इवनिंग गाइस, टॉपिक फॉर द डे इज ईथर चैनल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर ईथर चैनल्स? सबसे पहले ये देखना है ईथर चैनल होते क्या है, तभी मैं आपको ये बता पाऊंगा कि हम ये ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन करते क्यों है। फाइन यार, ईथर चैनल का मतलब है क्या लिखा मैंने? मैं क्या करूंगा, स्विचेस के बीच में मल्टीपल लिंक्स लगाऊंगा और उन लिंक्स का क्या बनाऊंगा, एक लॉजिकल बंडल। उस बंडल को क्या बोलूंगा? ईथर चैनल। देखो, बंडल से गलत मत समझना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिप वाला बंडल। ठीक है, बंडल का मतलब है इकट्ठा करना। जैसे बंडल में आपने देखा बीडीज पैक होती है, देखा ना, वैसे ही एक बंडल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो लॉजिकली बाहर से कैसा दिखता है, एक ही तो दिखता है, लेकिन उसके अंदर अंदर मल्टीपल बीडीज होती हैं। देखिए आपने, तो वही काम मुझे करना है, फिजिकल लिंक्स को बंडल करके क्या बनाना है, एक लॉजिकल लिंक। के बाहर से देखने वाले बंदे को क्या लगे, कितने बंडल, कितने लिंक्स हैं, एक, लेकिन अंदर क्या होंगे, मल्टीपल लिंक्स। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ईथर चैनल बनाने की जरूरत क्यों आई। ठीक है, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। हमने दो स्विच लिए, स्विच वन दिख रहा ना भाई सबको, विजिबिलिटी की जैसे ही प्रॉब्लम आए अपना मुंह खोल देना। ये स्विच टू ले लिया। ठीक, अब किसी महानुभाव ने ना लूप को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया था, जिसका नाम दिया था उसने एसटीपी। अब एसटीपी स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है, जिसका काम क्या होता है, लूप ना बने चेक करता है वो। तो लूप ना बने इसलिए वो क्या करता है, अगर दो स्विचेस के बीच में एक से ज्यादा लिंक है तो उस लिंक को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, ब्लॉक। तो लेट्स से यहाँ एसटीपी चल रहा था, ये बंदा क्या बना, रूट ब्रिज। ठीक है भाई, तो इसके सारे पोर्ट्स क्या बन गए, डीपी बन गए। इसका ये पोर्ट क्या बनेगा और बाकी सारे क्या जाएंगे, ब्लॉक। इससे एक बात क्लियर हुई, हाँ जी बंद कर दें या चला दें, ठंड लग रही है सच में भाई, ठंड लग रही है, इसको गर्मी दो भाई, करें भाई शुरू, ऐसे पढ़ रहे थे तुम, कहाँ ठंड पे बात ले रहे। स्विच वन रूट ब्रिज है, स्विच वन के सारे, देखो यार जिसको जो बात ना समझ में आए तभी पूछ लेना। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत एसटीपी पता है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको पूरा एसटीपी पता, नहीं थोड़ा बहुत भाई। तो स्विच वन के सारे पोर्ट्स क्या बन जाएंगे, डीपी, और स्विच टू का एक पोर्ट क्या बनेगा, रूट पोर्ट, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक। अब ब्लॉक क्यों हो रहे हैं, लूप को प्रिवेंट करने के लिए, एग्री। अब अगर मैंने चार लिंक्स भी लगाए हैं तो बिकॉज ऑफ एसटीपी मैक्सिमम मैं कितने लिंक्स यूटिलाइज कर पाऊंगा एट द सेम टाइम, ए। बाकी तीन लिंक्स बैकअप का काम करेंगे, लेकिन डेटा सेंड करने के लिए कभी भी यूज नहीं होंगे। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या लेके आया, ईथर चैनल। कि भाई मैं मल्टीपल लिंक्स लगाऊं तो एसटीपी उन मल्टीपल लिंक्स को ब्लॉक ना करे, एसटीपी सारे लिंक्स को किसमें रहने दे, फॉरवर्डिंग में। दिस थिंग इज क्लियर। और मैं मल्टीपल लिंक्स को क्या कर पाऊं, यूटिलाइज, क्या कर पाऊं। अब मोटिव क्या था ईथर चैनल बनाने का, लेट्स से भाई एक 100 Mbps का लिंक है, तो इस अगर लिंक का मैं आपको थ्रूपुट बताऊं, थ्रूपुट बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो
एफिशिएंसी कितनी एमबीपीएस होगी? 200 एमबीपीएस। देखो 100 एमबीपीएस की लिंक की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, 100 एमबीपीएस जाना और 100 एमबीपीएस आना। याद है जिस दिन पहली क्लास हुई थी हमने डिस्कस किया था स्विच टू स्विच हम कौन सी केबल यूज करते हैं? क्रॉस केबल। क्यों यूज करते हैं ये रीजन भी बताया था, उसमें चार वायर्स होती थी, दो सेंड करने के लिए और दो रिसीव करने के लिए। तो सेंड करने की एफिशिएंसी कितनी है? 100 एमबीपीएस, और रिसीव करने की भी कितनी है? 100 एमबीपीएस। तो एक स्विच, एक लिंक जो है 100 एमबीपीएस का, वो मुझे कितना थ्रूपुट दे सकता है, कितना डेटा एक टाइम पे ट्रांसफर करा सकता है? 200 एमबीपीएस। 100 एमबीपीएस सेंड हो सकता है और 100 एमबीपीएस रिसीव हो सकता है। अगर ऐसे ही मैंने चार लिंक लगा दिए तो मेरे पास थ्रूपुट कितना आ सकता है? 800 एमबीपीएस। तो इस थ्रूपुट को इंक्रीज करने के लिए मैंने क्या बनाया? ईथरनेट। देखो बाय डिफॉल्ट क्या था, एक लिंक वर्किंग में था, ठीक है जी, जिससे थ्रूपुट मुझे सिर्फ कितना मिल रहा था? 200 एमबीपीएस। और लिंक कितने थे? चार। और अब लिंक कितने हैं? चार। और थ्रूपुट कितना मिल रहा है? 800 एमबीपीएस। अब ना माइंड में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है कि साला ये ईथर चैनल ऐसा क्या करता है कि लूप अवॉइड हो जाती है? लूप तो अभी भी बन सकती है ना, आपने क्या किया, फिजिकल लिंक्स को बंडल ही तो किया है। अब फिजिकल लिंक्स को बंडल करते ही क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। लेट से स्विच वन है, ये स्विच टू। मैं क्या बोल रहा हूं, लिसन टू मी केयरफुली। मैंने यहां पे इन चारों फिजिकल लिंक्स को क्या कर लिया? बंडल। जैसे ही बंडल करूंगा स्विच ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट कर देगा? एक क्या क्रिएट कर देगा? पोर्ट चैनल इंटरफेस। अब स्विच को क्या लगेगा, ये मल्टीपल फिजिकल लिंक्स नहीं है, ये क्या है? एक पोर्ट चैनल इंटरफेस। दिस थिंग इज क्लियर। स्विच ने क्या किया, मल्टीपल फिजिकल लिंक्स को एक लॉजिकल नाम दे दिया, क्या दे दिया? पोर्ट चैनल इंटरफेस। अपने आप क्रिएट कर दिया जैसे ही मैंने लिंक्स को क्या किया? बंडल। अब आप कहोगे सर इंटरफेस का नंबर क्या होगा? जब आप बंडल करोगे ना तो स्विच आपसे ग्रुप नंबर पूछेगा। क्या पूछेगा? एक जो आप ग्रुप नंबर स्पेसिफाई करोगे, लेट से मैंने 1 स्पेसिफाई किया तो पोर्ट चैनल इंटरफेस भी किस नंबर से बन जाएगा? नंबर 1 से। मैंने 10 स्पेसिफाई किया तो किस नंबर से बन जाएगा? 10 से। 20 स्पेसिफाई किया तो किस नंबर से बन जाएगा? 20 से। मैंने बना लिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मैंने क्या बना लिया? एक ग्रुप बना लिया। लेट से ग्रुप यहाँ भी कौन सा बनाया? 1। इस स्विच पे भी क्या बन गया? एक पोर्ट चैनल इंटरफेस नंबर 1। अब स्विच के लिए ये सारे फिजिकल लिंक्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्या एग्जिस्ट करता है? एक पोर्ट चैनल इंटरफेस। अब स्विच को जहां जहां, जैसे आप शो इंटरफेस ट्रंक चलाते थे, शो इंटरफेस ट्रंक में आपको दोनों इंटरफेस नंबर दिखते थे फिजिकल, यस और नो? अब आपको स्विच पे फिजिकल इंटरफेस नंबर नहीं दिखेंगे, फिजिकल इंटरफेस नंबर की कोई नहीं। वेलकम। तो अब आपको फिजिकल इंटरफेस नंबर नहीं दिखेंगे, फिजिकल इंटरफेस नंबर की जगह आपको क्या दिखेगा? ऐसा लिखा होगा कुछ पीओ। पीओ का मतलब पोर्ट चैनल इंटरफेस। अब स्विच के लिए फिजिकल इंटरफेसेस की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, स्विच को नहीं पता है फिजिकल इंटरफेस है, स्विच को सिर्फ क्या पता है, ये क्या है? एक लॉजिकल इंटरफेस। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, लूप तो अभी बचानी है, लूप तो अभी भी बन सकती है ना। तो लूप को अवॉइड करने के लिए क्या रूल बनाया गया, एक नॉर्मल सा रूल बनाया गया। पहली बात तो व्हेन स्विच वन विल सेंड एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक, वेदर इट इज कंट्रोल प्लेन और इट इज फॉरवर्डिंग प्लेन, किसी भी टाइप का ट्रैफिक हो, वो मल्टीपल लिंक से नहीं जाएगा, सिर्फ किससे जाएगा? किससे जाएगा? सिंगल लिंक से। तो जैसे ही मैंने बात बोली ना, सामने वाले आदमी ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी बात, कहता था हम तो नहीं मानते बात, हम कैसे मान ले, और सिंगल लिंक से जाएगा तो वो लिंक कौन सा होगा? माइंड में पहला क्वेश्चन यही आया ना आपके कि सर ने ये तो बता दिया एक सिंगल लिंक से ट्रैफिक जाएगा, मैंने क्या बोला, जब भी ट्रैफिक जाएगा किससे जाएगा? एक सिंगल लिंक से। तो जैसे ही मैंने बात बोली आपके माइंड में, तभी एक क्वेश्चन आया, भाई सिंगल लिंक से कौन से लिंक से जाएगा? चार लिंक है, कौन से लिंक से ट्रैफिक जाएगा ये डिसाइड करेगा स्विच पे
चलने वाला लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म कौन डिफाइन करेगा? स्विच पे चलने वाला लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म। अब अभी 5 मिनट बाद उसी टॉपिक पे आ जाऊंगा मैं, किस पे? लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म पे। फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा लिंक स्विच यूज करेगा। सबसे पहली बात याद रखना कि जब भी ट्रैफिक सेंड होगा कितने लिंक से होगा? सिंगल लिंक से। स्विच टू ने लेट से ट्रैफिक को इस पर्टिकुलर लिंक पे रिसीव किया, कर लिया। स्विच टू इस पर्टिकुलर ट्रैफिक को अब उन पोर्ट से वापस नहीं भेजेगा जो सेम ईथर चैनल में बंडल होंगे या फिर जो सेम ग्रुप के मेंबर होंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि मैंने यहां इन चारों को ग्रुप का मेंबर बनाया, ग्रुप नंबर क्या है? 1। मैंने इस पोर्ट पे क्या रिसीव किया? कोई ट्रैफिक रिसीव किया। मैं इन 3 पोर्ट से उस ट्रैफिक को वापस नहीं भेजूंगा क्योंकि ये 3 पोर्ट सेम ईथर चैनल में क्या है? बंडल है। जिससे कि क्या प्रिवेंट हो जाएगी? लूप। क्योंकि लूप बनती कब? या तो ये मल्टीपल ट्रैफिक भेजता इसको, ये सारे इंटरफेसेस पे ट्रैफिक भेजता, और ये यहां पे सेम मैक एड्रेस को मल्टीपल इंटरफेसेस पे क्या कर लेता? लर्न कर लेता, लूप बनती। तो पहली कंडीशन तो मैंने कैसे अवॉइड की कि ट्रैफिक भेजने के लिए लिंक कितने यूज होंगे? 1। दूसरी प्रॉब्लम आती कि ये ट्रैफिक इसको भेजता और ये ट्रैफिक को क्या भेज देता? वापस। जिससे क्या बन सकती थी? लूप। उसको अवॉइड करने के लिए रूल क्या बनाया गया कि मैं जिस इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव करूंगा उस पर्टिकुलर ईथर चैनल में जो जो इंटरफेसेस बंडल अप है उन इंटरफेसेस पर ट्रैफिक वापस नहीं जाएगा, तो कभी भी लूप नहीं। दिस थिंग इज क्लियर? लूप कैसे अवॉइड हुआ इतना समझ में आपको? आगे जाए, क्या लिखा मैंने पढ़ो। ईथर चैनल बनाने के लिए भी कुछ क्या है कंडीशंस? क्या है वो कंडीशन? जैसे भी राइटिंग खराब हो मुझे बता दिया करो। हाँ यार, अगर मैं देख लेता हूँ तो खुद सही कर लेता हूँ, वरना तो मैं ऐसे ऐसे भी लिख लेता हूँ। हाँ जी, 4 पॉइंट लिख दिया, आप 4 पढ़ सकते हो। पहला पॉइंट क्या है? दोनों एंड पे क्या होगी? स्पीड। देखो, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक लिंक इधर 10 Mbps स्पीड रख रखी है, इधर 100 Mbps, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ? बंडल। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं होगा कि एक ईथरनेट लिंक है और एक फास्ट ईथरनेट लिंक है, दोनों को क्या कर रहा हूँ? बंडल। ये करना भी पॉसिबल नहीं है, ये करना भी पॉसिबल। सारे लिंक सेम ईथरनेट स्टैंडर्ड के होंगे, सारे 10 होंगे, सारे 100 होंगे, या सारे 1 GB के होंगे, या सारे 10 GB के होंगे, सारे 1 TB के होंगे, जितने बड़े भी होंगे सारे क्या होंगे? सेम। दोनों तरफ डुप्लेक्स भी क्या करना चाहिए? मैच। तीसरी बात क्या है? ट्रंक पे नेटिव वीलन क्या होनी चाहिए? सेम। चौथा पॉइंट क्या है? अगर पोर्ट एक्सेस है तो ऐसे नहीं होना चाहिए इधर से पोर्ट वीलन 10 का मेंबर है, इधर से 9 का। नहीं, इधर से 10 का मेंबर है तो इधर से भी 10 का, इधर से 9 का मेंबर है तो इधर से भी 9 का, इधर से 6 का मेंबर है तो इधर से भी 6 का। दिस थिंग इज क्लियर? आखिरी कंडीशन। हाँ जी, नेटिव वीलन पे ग्रुप क्यों बनाने हैं ब्रो? मैंने तो ग्रुप पे, ग्रुप बनाने का मतलब एक नंबर देना उसको सिर्फ। हाँ, क्यों?
हर कोर्ट पे होती है नेटिव वीलन। हाँ तो भी कंडीशन ही है, दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, कोई भी नेटिव वीलन आप बना रहे हो, टेम बना लो आप, सेम होनी चाहिए दोनों तरफ। और वो पोर्ट पे कॉन्फिगर होगी, वो पोर्ट चैनल पे कॉन्फिगर नहीं होगी। किस पे कॉन्फिगर होगी? वो पोर्ट। राइट, चौथा पॉइंट, क्या लिखा मैंने? अगर ट्रंक लिंक है तो अलाउड वीलन जो इधर है वही किधर होनी चाहिए? इधर। ये सेम बात आपको अपनी बुक में कैसे मिलेगी? ये सेम बात आपको अपनी बुक में मिलेगी कि स्पैनिंग ट्री के लिए जो पोर्ट्स फॉरवर्डिंग में एक एंड पे हैं वही किस में होने चाहिए? दूसरे एंड पे। तो मैंने आपको बताया था जब भी मैं एक पर्टिकुलर पोर्ट से एक पर्टिकुलर वीलन को डिसअलो कर देता हूँ ट्रंक पोर्ट से, तो होता क्या है, वो पर्टिकुलर पोर्ट उस पर्टिकुलर वीलैन के लिए स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस रखना ही बंद कर देता है। तो लेट्स से मैंने इस पोर्ट पे वीलैन 10 को डिसअलो कर दिया, तो इस पर्टिकुलर पोर्ट से वीलैन 10 का इंस्टेंस क्या हो गया? खत्म। इसका मतलब ये पर्टिकुलर पोर्ट वीलैन 10 के लिए फॉरवर्डिंग में नहीं है। तो सेम कंडीशन यहां भी होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर पोर्ट भी वीलैन 10 के लिए फॉरवर्डिंग में होना नहीं चाहिए। दिस थिंग इज क्लियर कि ट्रंक पे जो अलाउड वीलैन है वो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? सेम। तो ये पांच कंडीशंस हैं बेसिकली क्या बनाने के लिए? ईथर चैनल। फाइन। अब स्विच वन, स्विच टू, मैंने यहां भी एक ईथर चैनल बना दिया, यहां भी एक ईथर चैनल बना दिया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अब एसटीपी के लिए क्या है ये? पोर्ट चैनल। अब एसटीपी के लिए फिजिकल लिंक एग्जिस्ट नहीं करते, क्या एग्जिस्ट करता? सिर्फ एक लॉजिकल लिंक जिसका नाम क्या है? पोर्ट चैनल। ठीक है जी। अब ये पोर्ट चैनल है जो मेरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इधर से इसकी स्टेप की स्टेट क्या आ जाएगी? इधर से क्या आ जाएगी? आरपी। कितना लिंक है? चार लिंक है, 0 1 2 3 0 1 2 3 चार हो गए भाई, मैंने नंबर दे दिया, लिंक 0, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। अब उसी बात पे आ रहा हूं कि स्विच इन चार लिंक्स को यूटिलाइज कैसे करेगा। हाउ लोड बैलेंसिंग इज परफॉर्म। दो पूछो यार। सर अगर वीटीवी प्रोनिंग जैसा आपने लास्ट क्लास में बताया था तो फिर तो सर ये कभी बनेगा ही, क्योंकि वो तो किसी विलन के लिए फॉरवर्ड कर रहा होगा और ये किसी विलन के लिए फॉरवर्ड कर रहा होगा। आपने बताया अलाउड विलन्स मतलब फॉरवर्डिंग स्टेट में होना चाहिए, किसी को बाहर नहीं। बिल्कुल। वीटीवी प्रोनिंग अगर हमने इनेबल कर दिया तो ये बनेगा? एक बार यार कौन बताएगा वीटीवी प्रोनिंग क्या काम करती थी? सब गोबर कर दिया। मैंने अलाउड व्हीलन की बात की है, मैंने प्रूनिंग की थोड़ा बात की है। मैंने ये बोला ट्रंक पे दोनों तरफ अलाउड व्हीलन सेम होनी चाहिए और प्रूनिंग इज टोटली अ डिफरेंट कंसेप्ट। जब भी मैं एक व्हीलन को प्रून करता हूँ कभी भी स्पैनिंग ट्री फॉरवर्डिंग स्टेट से वो व्हीलन रिमूव नहीं होती, याद रखना इस चीज को भी। अगर तू व्हीलन को एक पर्टिकुलर पोर्ट पे डिसअलाउ कर देता है तो उस पर्टिकुलर पोर्ट पे उस व्हीलन का एसटीपी इंस्टेंस ही खत्म हो जाता है, लेकिन प्रून करने से ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर तू प्रून कर रहा था स्विच उस पर्टिकुलर पोर्ट पे सिर्फ ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड नहीं करेगा उस वीलन के लिए, बाकी सब कुछ होगा। ठीक है भाई। हाँ जी। वन जीबी इथरनेट केबल, ओके आई विल चेक दिस थिंग, इट इज पॉसिबल और नॉट। आई थिंक इट विल बी पॉसिबल, हो जाएगा। बट try to understand the thing is, Ethernet standard must be same. What I think, according to my knowledge, if it is Ethernet, second also must be Ethernet. Second cannot be fast Ethernet because ports are different. अगर आप ports देखते हो तो ports are different. 10 Mbps ports are different. 100 Mbps ports are
डिफरेंट, 1 Gbps पोर्ट्स आर डिफरेंट. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट बंडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया. आई डोंट थिंक सो इट विल बी पॉसिबल, बट आई विल चेक एंड आई विल टेल यू टुमारो. फाइन. नाउ हाउ लोड बैलेंसिंग इज परफॉर्म, दिस थिंग इज क्लियर. बात करें इसके बारे में. अब यार स्विच के पास कितने लिंक्स हैं? 4. अब स्विच क्या करता है? इन एल्गोरिथम्स के बेस पे लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता है. एल्गोरिथम कौन सी है? सोर्स मैक, ये 4 एल्गोरिथम है. 2 एल्गोरिथम और है. वी हैव 2 मोर एल्गोरिथम्स, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मैक, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मैक. बेसिकली ये 6 एल्गोरिथम्स होंगी जो स्विच पे आपको अवेलेबल मिलेंगी. एल्गोरिथम सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन पोर्ट भी होती है, पर वो आपको लो एंड स्विचेस पे नहीं मिलती. जैसे कि हमारे जो स्विचेस हैं 3750, 3550, दीज आर नॉट हाई एंड स्विचेस. ठीक है जी. हाई एंड स्विचेस कौन से होते हैं? 6600, 4500. ठीक है जी. ये सब स्विचेस कौन से हैं? हाई एंड स्विचेस. इन पे आपको मिलेगी सोर्स मैक भी और सॉरी सोर्स पोर्ट भी और डेस्टिनेशन पोर्ट भी और सोर्स प्लस डेस्टिनेशन पोर्ट. दिस थिंग इज क्लियर. अब मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं. ये चारों एल्गोरिथम सेम तरीके से काम करेंगी, चारों, और ये दोनों एक तरीके से. तरीका समझाना है आपको सिर्फ, उसके बाद आपको आ जाएगा करना. ठीक है जी. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कितने लिंक है? 4 लिंक है. सबसे पहली बात ये भूल जाओ और ये बात सोचना छोड़ दो कि एक यूजर का ट्रैफिक एक से ज्यादा लिंक से जाएगा. क्या बोला मैंने? प्लीज फॉरगेट दिस थिंग. लोड बैलेंसिंग का लोग मतलब यही समझते हैं. जैसे आप जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स को बांट लेते हो ना, लोग सोचते हैं लोड भी वैसे ही बैलेंस होगा. भाई आधा इधर भेज दूंगा और आधा इधर. ऐसा सही में नहीं होता. जब भी लोड बैलेंसिंग स्विच परफॉर्म करेगा, स्विच कभी भी ट्रैफिक को मल्टीपल लिंक्स पे एक सिंगल यूजर के ट्रैफिक को डिवाइड नहीं करेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं होगा कि यहां से 1 Gbps डेटा आया तो स्विच ने 250 MB यहां से भेज दिया, 250 MB यहां से, 250 यहां से और 250 यहां से. ऐसा नहीं होगा. जब 1 Gbps डेटा आएगा तो किससे जाएगा? एक सिंगल लिंक से, क्योंकि लूप बचाने की पहली कंडीशन ही यही थी कि ट्रैफिक हमेशा किससे जाएगा? एक सिंगल लिंक से. याद आई बात? अब वो सिंगल लिंक डिसाइड कैसे होगा? स्विच एल्गोरिथम यूज करता है. लेट से पहली एल्गोरिथम है सोर्स का. ठीक है जी. बात करें सबसे पहले स्विच क्या देखेगा, कितने लिंक बंडल किए हुए? 4. अब 4 लिंक के लिए स्विच को बिट्स कितनी चाहिए? 2. अब कितने लोगों को समझ में आया मैंने 2 बिट्स कैसे लिखी? 2 की पावर 2 वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. दिस थिंग इज क्लियर. तो बिट्स कितने चाहिए? 2. लेट से 10 तो नहीं बोलता, गलत बोल दिया. 6 लिंक बंडल कर रखे हैं, कितने बिट्स चाहिए? 3. कितने बिट चाहिए? 3. 2 लिंक बंडल कर रखे हैं, कितने बिट चाहिए? 1. 3 लिंक बंडल कर रखे हैं, कितने बिट चाहिए? 2. और 6 लिंक बंडल कर रखे हैं, कितने बिट चाहिए? 3. 8 लिंक बंडल कर रखे हैं, कितने बिट चाहिए? 3. 8 लिंक है तो बिट भी कितनी होंगी? 3. और अगर 14 लिंक बंडल कर रखे हैं तो 4. समझ में आ गया क्राइटेरिया कि नंबर ऑफ बिट्स कैसे देखनी है? तो मैंने यहाँ पे कितने लिंक बंडल किए हुए थे? 0, 1, 2, 3. 4 लिंक थे टोटल, कितने बिट्स थी? 2. पढ़ो क्या लिखा मैंने. लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती कौन सी है? पहले तो ये बता दो आज. ऐसे मत करो, ये वाली है, ये वाली. हाँ, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कौन सी होती है? राइट मोस्ट बिट्स होती हैं. लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कौन सी बिट्स? राइट मोस्ट. याद रखना. देखो दोबारा नहीं बताऊंगा,
और ये अपने बच्चों के सामने मत बोल देना पता नहीं है, ठीक है? कहीं वो स्कूल से आगे पूछे पापा ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है, बेटा अभी थोड़ी देर रुक जा बताता हूँ, काफी दिन हंसेगा वो, ठीक है भाई? लेट से एक मैक एड्रेस है, ठीक है, मैक एड्रेस कितने बिट का? 48 बिट का। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कौन सी होंगी? ये, इनको किसमें कन्वर्ट कर लेता हूं? बाइनरी में। तो बाइनरी में मुझे कितनी बिट्स चेक करनी है? दो। आपको पता है ये कितनी बिट्स हैं? चार बिट्स हैं ये? यस और नो? क्योंकि आप अपने मैक एड्रेस को किसमें रिप्रेजेंट करते हो? एग्जा डेसिमल। याद आया कुछ? कहानी याद आई? ठीक है, कन्वर्ट कर लो इसको, 0001। यस और नो? कितनी बिट चेक करनी है? दो। दो बिट को चेक किया, वैल्यू क्या आ गई? वन ही आ गई। अब मैंने वैल्यू कैसे निकाली, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया? 8421, 0+1, 1। यस और नो? कितना हो गया? 1। तो लिंक कौन सा आ गया? 1। इसका मतलब जब भी ये सोर्स ट्रैफिक भेजेगा, स्विच कौन से लिंक से ट्रैफिक भेज देगा? लिंक नंबर 1 से। कौन से लिंक से ट्रैफिक भेज देगा? लिंक नंबर 1 से। अब एक माइंड में क्वेश्चन और आएगा, स्विच लिंक 0 कैसे डिसाइड करता है, लिंक 1 कैसे डिसाइड करता है, लिंक 2 कैसे डिसाइड करता है और लिंक 3 कैसे डिसाइड करता है? आपका पोर्ट नंबर होता है, ऐसे ही होते हैं। छोटे पोर्ट नंबर से स्विच लिंक 0 स्टार्ट कर देता है और मूव ऑन करता है किस पे? बड़े पोर्ट्स की तरफ। जो सबसे छोटा पोर्ट होगा उसको क्या मिल जाएगा? लिंक नंबर 0। उससे जो उससे बड़ा पोर्ट नंबर होगा उसको क्या मिल जाएगा? लिंक 1। जो उससे बड़ा होगा उसको क्या मिल जाएगा? लिंक 2। जो उससे बड़ा होगा उसको क्या मिल जाएगा? लिंक 3। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत? हाँ जी, तो फिर चारों का ट्रैफिक सेम लिंक से जाएगा, बात खत्म। दस थिंग इज क्लियर? हाँ जी सर, अभी उस बात पे आएंगे, 10 लिंक में, ठीक है? एक बार लॉजिक समझ लो, अभी मैं खुद ले आऊंगा उस बात पे कि अगर मैंने ऑड नंबर ऑफ लिंक्स ले रखे हैं तो लोड बैलेंसिंग कैसे होगी। अभी कुछ केस भी आएंगे। हाँ जी, कौन सा मैक एड्रेस यूज करता है, मतलब उस पोर्ट का? पोर्ट का नहीं सर, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के लास्ट प्रोग्राम में वीक लिया। किसका मैक एड्रेस है ये? यूजर का। यूजर ट्रैफिक भेज रहा है ना, तो उस पर्टिकुलर यूजर का मैक एड्रेस देखेगा और उसके बेस पे क्या परफॉर्म करेगा कि कौन से लिंक को यूज करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब एक डिफरेंट यूजर के लिए एक डिफरेंट लिंक यूज होगा। मेरे को लोड बैलेंसिंग मिल गई, यही तो मैं चाहता था। मैं मल्टीपल लिंक्स को क्या कर पाऊं? यूटिलाइज, और मैं कर पा रहा हूं। एक अलग सोर्स के लिए एक अलग लिंक यूज होगा। लेट से मेरा मैक एड्रेस क्या है, मैं मैक एड्रेस चेंज कर देता हूं इस बार। अब कौन सा लिंक यूज होगा? विच लिंक विल बी यूज्ड? भाई इतना क्यों सोच रहे हो, ये वैल्यू क्या है? कन्वर्ट करो, दो बिट्स देखनी है, 2 1, 2+1, 3। कौन सा लिंक यूज होगा? लिंक नंबर 3। लिंक नंबर 3 यूज होगा ना। दिस थिंग इज क्लियर? अगर कुछ मैक एड्रेस ऐसे है, भाई लिंक नंबर 3 किसको दिया? इसको। मैंने आपको बताया ना, पहले वो लिंक नंबर डिफाइन करेगा, फिर जो लिंक नंबर आएगा उस पे ट्रैफिक वो सेंड कर देगा। मैं वही आपको बात बता रहा हूँ, लिंक 0 भी आएगा अभी। ये ले, मैंने मैक एड्रेस को क्या कर दिया? अब लिंक नंबर क्या आएगा? 0। तो कौन से ट्रैफिक, कौन से लिंक से ट्रैफिक जाएगा? लिंक 0 से। यार एक रेगुलर बात कर ले पहले। जैसे उस भाई ने क्वेश्चन पूछा कि 10 लिंक है तो फ्लो में चल ले ना, अब बात कर लेंगे। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? ठीक है जी। अब अगर मैं डेस्टिनेशन मैक वाले
एल्गोरिथम की बात करता हूं तो उसमें भी सेम काम होगा, सिर्फ मैक एड्रेस सोर्स की बजाय कौन सा चेक होगा, डेस्टिनेशन। दिस थिंग इज क्लियर। तो एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ये एक स्विच है, मैक एड्रेस ए बी सी, मैक एड्रेस डी, मैक एड्रेस ई, फाइन। कितना लिंक बंडल किए हैं, दो बिट्स कितनी यूज होंगी, एक। तो लेट्स से इस पर्टिकुलर स्विच पे एल्गोरिथम कौन सी चल रही है, कौन सी चल रही है, डेस्टिनेशन में, और ए बात कर रहा है डी से, तो कौन सा लिंक यूज होगा बताओ, ए बात किससे कर रहा है, डी से, तो डी को कन्वर्ट कर लो पहले, डी का मतलब जीरो वन, वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी कौन सी बिट चेक करनी है, सिर्फ एक, वैल्यू क्या आ गई, वन, तो लिंक कौन सा यूज होगा, ये लिंक जीरो, ये लिंक वन, तो कौन सा यूज होगा, लिंक नंबर वन। दिस थिंग इज क्लियर। अब मैं कितनी बिट देख रहा हूं, एक, कितनी बिट्स देख रही है किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ लिंक्स, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ले लेते हैं पहले कि लेट्स से ये एक नंबर लिंक डाउन हो जाता है, तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाएगी, इससे नेक्स्ट लिंक, ठीक है जी। क्यों, अब होगा क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, होगा क्या, लेट्स से भाई ये चार लिंक थे जो बंडल हुए हुए थे, स्विच ने नंबर क्या दिए हुए थे, लिंक जीरो, लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री, तेरा लिंक वन क्या चला गया, डाउन, ठीक है जी। अब लिंक वन एक्चुअली कौन बन गया, ये, लिंक टू अब कौन बन गया, ये, और लिंक थ्री अब कौन बन गया, वो लिंक जीरो भी और लिंक थ्री भी है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लिंक्स आपके पास कम है ना, ये वही केस हो गया, आपने चार की जगह कितने लिंक बंडल किए हुए हैं, तीन। स्विच बिट्स कितने यूज करेगा अभी भी, दो, भाई अगर चार लिंक बंडल, तीन लिंक बंडल होंगे तो बिट कितनी यूज होंगी, दो, तो नंबर कैसे डिसाइड होंगे लिंक के, जीरो, लिंक वन, लिंक टू, और फिर ये लिंक क्या बन जाएगा, लिंक थ्री, लिंक थ्री का ट्रैफिक फिर किससे जाएगा, लिंक जीरो से। दिस थिंग इज क्लियर। अगर एक लिंक डाउन हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी अगले लिंक पे, लेकिन याद रखना लास्ट लिंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस किस पे आ जाएगी, पहले लिंक, ठीक है जी। क्यों आएगी, क्योंकि ये वे है कि अगर भाई, पहली बात तो आपको हमेशा इवन नंबर ऑफ लिंक्स ही बंडल करने हैं, अगर आपने गलती से ऑड कर दिए तो स्विच उस टाइम ऐसे बिहेव करता है, अगर आपका एक लिंक डाउन हो जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले लिंक पे आ जाएगी, लेकिन लास्ट लिंक क्या बन जाएगा, पहला लिंक, ठीक है जी। तो पहला लिंक लास्ट के लिए भी फॉरवर्डिंग करेगा और अपने लिए भी क्या करेगा, फॉरवर्डिंग करेगा। दिस थिंग इज क्लियर। और अगर मैं ऑड नंबर ऑफ लिंक्स को बंडल करता हूं तो बात कुछ ऐसी होती है, लिंक जीरो, ये लिंक वन, ये लिंक टू, और ये लिंक, दिस थिंग इज क्लियर। इसमें कोई इश्यू आपको, अब एल्गोरिथम है कुछ और भी, जैसे एल्गोरिथम ले लो आप, सोर्स आईपी या फिर डेस्टिनेशन आईपी, ये भी एल्गोरिथम्स हैं। अब मैं कह रहा हूं स्विच पे कौन सी एल्गोरिथम चल रही है, सोर्स आई। लेट्स से लिंक कितने बंडल कर रखे हैं, चार, बिट्स कितनी चाहिए, दो, सोर्स आईपी एल्गोरिथम चल रही है तो 10.21 ट्रैफिक भेज रहा है, तो 10.21 का वन का मतलब है 10.0.0.21, 21 को किसमें कन्वर्ट कर लो, बाइनरी में, कैसे करेंगे,
ठीक है भाई, 21 हो गया ना या नहीं हुआ? थैंक यू यार बताने के लिए। अब देखो कितने बिट्स देखनी है आखिरी की, दो दो बिट देखी, वैल्यू क्या गई? वन। कौन सा लिंक यूज होगा? लिंक नंबर। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? इजी है ना। अब लेट से 10.11 को ट्रैफिक भेज रहा हूँ और इस पे एल्गोरिथम चल रही है डेस्टिनेशन आईपी। अब कौन सा लिंक यूज होगा? ग्यारह को कन्वर्ट करो, लिंक नंबर 3 यूज हो। कौन सा लिंक यूज होगा? लिंक नंबर 3। कोई प्रॉब्लम किसी को? दिस थिंग इज क्लियर? आर यू श्योर? डेस्टिनेशन आईपी भी समझ में आ गई? तो बेसिक वो सोर्स मैक हो या फिर क्या हो? सब पे सेम फंडा यूज होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? और ये भी बता दिया, जब ऑड नंबर ऑफ लिंक को मैं बंडल कर दूंगा तो क्या होगा, बात कर ली अभी हमने। मैं ऑड नंबर ऑफ लिंक्स को बंडल करूंगा तो जो भी नंबर्स एक्स्ट्रा होंगे वो दोबारा क्या हो जाएंगे? यूज हो जाएंगे। मेरे कुछ लिंक्स मल्टीपल सोर्सेस के लिए यूज होंगे। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं 3 लिंक बंडल कर देता हूँ, ठीक है जी, तो लिंक 0 का काम करेगा, लिंक 1 का, लिंक 2 का, और फिर ये किसका काम करेगा? लिंक 3। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम यार किसी को? नहीं। अब अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं, ऑड इवन कहाँ लिया हमने यार? मैं कह रहा हूं अगर तुमने ऑड नंबर ऑफ लिंक्स बंडल किए तो ऐसे लिंक नंबर डिसाइड होंगे, और इवन बंडल किए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इवन मतलब 4 लिंक बंडल कर दिए तो लिंक 0, लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3। ये बोलता है प्रॉब्लम क्या है इन एल्गोरिथम्स के साथ? कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, तभी मैं क्या लेके आया, सोर्स आईपी प्लस डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स मैप प्लस डेस्टिनेशन। ठीक है भाई, यहाँ क्या लगा हुआ है? एक सर्वर। इसका मैं एड्रेस क्या मान लेते हैं? यहाँ पे भी कौन सी एल्गोरिथम चल रही है और यहाँ पे भी कौन से एल्गोरिथम चल रही है? सोर्स में दिख रहा भाई। अब ए को बात करनी है एफ से। हाँ भाई, कौन सा लिंक यूज होगा? अब नहीं बताऊंगा मैं। कितना लिंक बंडल किए हुए? 4। कितने मिनट चेक करेंगे? 2। चलो इतना तो पता है। हाँ भाई, ए बात कर रहा है तो कौन सा लिंक यूज होगा? कौन सा लिंक यूज होगा? सेकंड। कौन बोला? आप बोले, आप बोले, बिल्कुल सही बोले, लिंक नंबर 2 यूज होगा। अब बी बात कर रहा है तो कौन सा लिंक यूज होगा? थर्ड। वेरी गुड, ठीक है। गलत होता तो बहुत मारता। ठीक है, कौन सा तीसरा यूज करना था?
सी बात कर रहा था, कौन सा यूज होगा? जीरो यूज होगा, 8 4 12 होता है, 0 0 आ जाएगा, तो लिंक भी कौन सा यूज होगा? जीरो। ये बात हो गई। ये सारे ट्रैफिक भेज किसको रहे थे? सर्वर को। जब सर्वर रिप्लाई करेगा, सोर्स कौन होगा? एफ। और डेस्टिनेशन ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, और सी भी हो सकती है, यस और नो? तो जब भी स्विच वन रिप्लाई करेगा, सॉरी स्विच टू रिप्लाई करेगा, एक सेम लिंक यूज होगा, क्योंकि यहां पे सोर्स क्या रहेगा? हमेशा सोर्स क्या रहेगा यहां पे? सेम। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? जब स्विच टू रिप्लाई करेगा किसी भी यूजर को, तो एक ही लिंक यूटिलाइज कर पाएगा। दिस थिंग इज क्लियर? तो ये प्रॉब्लम है किसके साथ? सोर्स मैक यूज कर लो, या फिर डेस्टिनेशन मैक यूज कर लो, या फिर सोर्स आईपी यूज कर लो, या फिर डेस्टिनेशन आईपी यूज कर लो। यार प्रॉब्लम क्या? अगर मैं एक सर्वर को हिट कर रहा हूं, तो जब सर्वर रिप्लाई कर रहा है, तो मैक एड्रेस क्या है या आईपी क्या है, चेंज थोड़ा ना हो रही है, सेम रहेगी, जिसकी वजह से लिंक कितने यूटिलाइज होंगे? ए। तो इन केसेस में भी मल्टीपल लिंक्स यूटिलाइज हो, क्या हो? मल्टीपल लिंक्स यूटिलाइज हो, तो उसके लिए हमने क्या बनाई? एल्गोरिथम्स, जिनका नाम था सोर्स आईपी प्लस। दिवेश भूत हो गया, भूत हो गया क्यों? चटनी मत खाया कर पकौड़ों के साथ। निर्मल बाबा ये बात बोलते हैं ना, अभी 1000 रुपए भी रखता हुई है। मैंने बोले तो असर हो। तो ये एल्गोरिथम बनाई गई, ये काम कैसे करती है? ये तो और भी आसान है। स्विच वन खेल देखना, भगवान की माया देखना इसमें आप। स्विच टू, कितने लिंक्स बंडल किए हैं? बिट्स कितनी चाहिए? ठीक। सोर्स बैक क्या है? एक्सटेंशन बैक क्या है? लिख लो, एक और डेसिमल में कन्वर्ट करके। बी को भी लिख लो, ये कौन है? बी का मतलब क्या होता है पता है ना सबको? कहीं इतनी देर से खेल तो नहीं रहे मेरे साथ? ठीक है, कितनी बिट देखनी है? दो बिट ले ली। दो बिट पे कौन सा गेट लगा दो? कौन सा गेट लगा दो? एक्सोर। ठीक है जी, एक्सोर गेट क्या होता है कुछ बताएगा? कौन से सब्जेक्ट में आते थे गेट? नहीं, स्कूल में भी तो पढ़े थे, मैथ्स में। मेरे को तो बता दे भाई, हाँ लॉजिक गेट्स। देखा भाई को याद है, तुमने पढ़ाई नहीं की स्कूल में ढंग से। जब सेम होगा तो जीरो, और जब डिफरेंट होगा तो वन। ये होता है आपका एक्सोर गेट। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो क्या आएगा यहाँ पे? क्या है डिफरेंट, तो यहाँ क्या आएगा? वन। वैल्यू क्या आ गई? वन आ गई। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रैफिक कौन से लिंक से जाएगा? लिंक नंबर वन से। अब जब रिप्लाई आएगा तो भी कौन से आएगा? लिंक नंबर वन से। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस बात में तो पूछ सकता है। किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर जाएगा तो वन से, आएगा किसी और लिंक से, तो वो वेरीफाई कर सकता है। भाई स्विच बी भी तो सेम काम ही करेगा, एक्सोर ही तो लगाएगा, ए और बी के बीच में तो लिंक कौन सा आएगा? यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब सर्वर रिप्लाई कर रहा होगा तो सोर्स और डेस्टिनेशन हर बार अलग अलग होगी ना, तो रिप्लाई हमेशा अलग लिंक से आएगा। एस टी पी लूप क्यों बनेगा? हम तो डेटा की बात कर रहे हैं, कौन से लिंक से जा रहा है, लूप क्यों बनेगा? एक सोर्स का ट्रैफिक तो हमेशा एक लिंक से जाएगा ना भाई,
एक पर्टिकुलर सोर्स का ट्रैफिक एक लिंक से ही तो जाएगा, मल्टीपल लिंक से थोड़ा ना जाएगा एट अ टाइम, तो कभी भी क्या नहीं बनेगा यार ब्रो, सेम ग्रुप से वापस नहीं आएगा। वो सेम ग्रुप से वापस क्यों आ रहा था, एग्जांपल में चलना पिछले वाले। इस केस में क्या था, सोर्स कांस्टेंट था और मैं देख भी सिर्फ किसको रहा था, सोर्स को। अब मैं देख किसको रहा हूं, सोर्स को भी और डेस्टिनेशन को भी। तो जब सोर्स एफ होगा और डेस्टिनेशन ए होगा तो लिंक कोई और आएगा, जब सोर्स एफ होगा और डेस्टिनेशन बी होगा तो लिंक कोई और आएगा, जब सोर्स एफ होगा और डेस्टिनेशन सी होगा तो लिंक कोई और आएगा। यही तो बोल रहा हूं मैं, अब यहां पे ट्रैफिक जाएगा भी सेम लिंक से और आएगा भी सेम लिंक से, तो यूजर चेंज कर ले, ये ले यहां सी लगा ले और यहां कौन सा लगा ले, डी। अब देख सी और डी का ट्रैफिक कौन सा लिंक से जाता, चेक करो, वेरीफाई करो। देखो हाँ जी, सी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, तेरा कौन सा लिंक से जाएगा, पहले लिंक, ठीक है भाई। यार वो तो डिपेंड करेगा ना आपका एड्रेस क्या है, वी आर डिपेंडेंट ऑन एड्रेस हियर, अब एड्रेस पे डिपेंडेंट है, एड्रेस के बेसिस पे डिसाइड होगा कि मैं कौन सा लिंक यूटिलाइज करूंगा। हाँ जी पूछ भाई, पूछे क्या हुआ, वही तो मैं बोल रहा था। और अगर और हुआ तब भी रिपीट है तो कुछ डिफरेंसेस की खास, मतलब अगर और हुआ, मैं पांच हुआ तब भी मुझे तीन बच्चे, हाँ तो वही फिर उसमें रिपीट होगा, हाँ केस सेम है। तो अब आपको पता चल गया कि सोर्स मैक प्लस डेस्टिनेशन मैप को यूज करने का बेनिफिट क्या है, कि कभी भी एक सिंगल लिंक यूज नहीं होगा, मल्टीपल लिंक्स यूज होंगे डिफरेंट सोर्स और डिफरेंट डेस्टिनेशंस के। फाइन, वैसे ही मैं यूज कर सकता हूं क्या, प्लस डेस्टिनेशन, ठीक है जी। लेट से दश डॉट एक इससे बात कर रहा है, कौन सा लिंक यूज होगा बताना, साले चार सौ लिंक थे, ठीक है चार लिंक थे टोटल, जीरो वन टू और थ्री, जीरो भी बोल दिया टू भी बोल दिया वन रह गया था वो भी बोल देते, आंसर तो सही थ्री था। दिस थिंग इज क्लियर, तो भाई इसकी घर जाके प्रैक्टिस करना आज, तभी कैलकुलेट करना आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आपको लगे आसान है तो आसान तो मेरे लिए है सिर्फ, ठीक है जी, कर लेना इसको, पढ़ लेना घर जाके। तो ये बेनिफिट है गाइस ईथर चैनल बनाने का, नेक्स्ट थिंग हाउ टू कॉन्फिगर ईथर चैनल। तो दो तरीके हैं ईथर चैनल बनाने का, पहला स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या है, कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, दोनों एंड पे ईथर चैनल मैं खुद फॉर्म करूंगा। और डायनेमिक में क्या होगा, ईथर चैनल किससे फॉर्म होंगे, नेगोशिएशन से। डीटीपी याद है, स्टैटिक ट्रंक बनाने का मतलब दोनों तरफ ट्रंक में खुद बनाऊंगा,
और डायनेमिक ट्रंक बनाने का मतलब ट्रंक किससे बनेगा, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन करने के लिए दो प्रोटोकॉल्स है मेरे पास, पीएजीपी और एलएसीपी। पीएजीपी क्या है, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। एलएसीपी क्या है, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पीएजीपी किसका, एलएसीपी किसका, ओपन स्टैक। हमेशा याद रखना क्या लिखा मैंने, आप एक लिंक में, एक बंडल में पहली बात तो मैक्सिमम 8 ही लिंक बंडल कर सकते हो, और उन 8 लिंक्स को क्या कर सकते हो, यूटिलाइज। आप कभी भी 8 लिंक से बड़ा बंडल नहीं बना सकते, ऐसा बंडल बनाना पॉसिबल नहीं, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन आता है कई बार कि मैं दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करके कितना मैक्सिमम थ्रूपुट अचीव कर सकता हूँ ईथर चैनल बना के, तो मैं मैक्सिमम कितने लिंक बंडल करूंगा, 8। तो डिपेंड करेगा वो लिंक ईथरनेट है, ईथरनेट लिंक कितने एमबीपीएस के होते हैं, 10 एमबीपीएस के, फाइन। तो 8 लिंक पर थ्रूपुट कितना आ जाएगा, 160 एमबीपीएस, कितना आ जाएगा। और अगर 100 एमबीपीएस के लिंक है तो 1600 एमबीपीएस, ठीक है जी, अगर 8 लिंक बंडल कर रहा हूँ। और अगर जीबी के लिंक है तो बहुत ही ज्यादा आ जाएगा, 16 जीबीपीएस, फाइन। जो भी होगा वो डिपेंड करेगा, मैंने आपको तरीका बता दिया। तो स्टैटिक ईथर चैनल कैसे बनाते हैं, इस एंड पे भी ईथर चैनल आप खुद कॉन्फिगर करोगे और इस एंड पे भी ईथर चैनल आप खुद कॉन्फिगर करोगे। तो यार स्टैटिक ईथर चैनल में प्रॉब्लम क्या आती है, ये बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स विद स्टैटिक ईथर चैनल, फाइन। सिर्फ स्टैटिक ही पढ़ेंगे आज और ज्यादा। स्विच वन, ये कौन है स्विच। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां आपने क्या बनाया, एक ईथर चैनल, ठीक है जी। लेट्स से स्विच क्या था, रूट बेस्ड। जैसे ही आपने इस एंड पे ईथर चैनल बनाया, स्विच ने क्या क्रिएट कर लिया, एक पोर्ट चैनल इंटरफेस क्रिएट कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब स्विच के लिए 4 फिजिकल लिंक नहीं है, क्या है, एक लॉजिकल लिंक। तो एसटीपी पहले 4 फिजिकल लिंक के लिए चल रही थी, अब किसके लिए चलेगी, एक लॉजिकल लिंक के लिए। तो एसटीपी विल नाउ रन फॉर दिस सिंगल लॉजिकल लिंक। अब जब स्विच के लिए एक सिंगल लॉजिकल लिंक है, तो बीपीडीयू भी कितने भेजेगा स्विच, सिर्फ एक। पहले हर लिंक पर बीपीडीयू जा रहा था एक एक, अब सिर्फ बीपीडीयू कितने जाएंगे, एक। तो लेट्स से ये रूट ब्रिज था, ये रूट पोर्ट था, और ये पोर्ट क्या पड़े थे, ब्लॉक। तो स्विच ने इस पर्टिकुलर रूट पोर्ट पे बीपीडीयू भेजा, और इन पोर्ट पे बीपीडीयू भेजना क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि आपने यहां क्या फॉर्म कर दिया, ईथर चैनल। जैसे ही मैंने ब्लॉक पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव होने बंद हो जाएंगे, स्विच पहले कितनी देर वेट करेगा, 20 सेकंड। 20 सेकंड का मतलब मैक्स एज टाइम होता है। मैक्स एज टाइम का मतलब क्या होता है, कि अगर मुझे पर्टिकुलर बीपीडीयू पहले रिसीव हो रहा था और अब रिसीव नहीं हो रहा, तो मैं टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन कितनी देर के बाद जनरेट करूंगा, 20 सेकंड के बाद। क्योंकि हर स्विच क्या करता है, 20 सेकंड तक जो बीपीडीयू रिसीव होता है ना, उसकी कॉपी अपने पास मेंटेन करके रखता है। क्या मेंटेन करके रखता है, अपने पास एक कॉपी। दिस थिंग इज क्लियर। तो स्विच का मैक्स एज टाइमर एक्सपायर होता है, स्विच को लगेगा इन ब्लॉक पोर्ट में कोई बीपीडीयू रिसीव नहीं हो रहे। जब सामने से बीपीडीयू रिसीव नहीं हो रहे, इसका मतलब सामने कोई स्विच कनेक्टेड नहीं है, और वो इन तीनों पोर्ट्स की स्टेट का डक रख देगा डीपी, जिससे क्या प्रॉब्लम आएगी, यहां बीपीडीयू रिसीव होगा और स्विच उन बीपीडीयू को वापस किसके पास भेज देगा, इस स्विच के पास, और क्या क्रिएट हो जाएगा, लूप। क्या क्रिएट हो जाएगा, लूप। क्यों लूप क्रिएट होगा, समझ में आया, 20 सेकंड के बाद होगा पर लूप क्रिएट, कितने सेकंड के बाद, 20 सेकंड। दिस थिंग इज क्लियर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इन चारों में से स्विच सिर्फ एक ही लिंक पर बीपीडीयू भेजेगा, ठीक है, क्योंकि अब स्विच के लिए कितने लिंक्स हैं, लॉजिकल एक, ठीक है। लेट्स से वो सबसे ऊपर वाले लिंक पे बीपीडीयू भेज रहा, तो मेरे को अपने रूट पोर्ट पे कंटिन्यूअसली बीपीडीयू रिसीव हो रहा है, लेकिन मेरे ब्लॉक पोर्ट पे कोई बीपीडीयू रिसीव नहीं हो रहा, तो मैं कितनी देर वेट करूंगा, 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद मैं अपने पोर्ट्स को फॉरवर्डिंग में डाल दूंगा, फॉरवर्डिंग में डालने के बाद क्या बना दूंगा, डीपी। अब आप पूछोगे सर डीपी क्यों बनाया, डीपी इसलिए बनाया क्योंकि यार सामने से मेरे को कोई बीपीडीयू रिसीव
नहीं हो रहा, इसका मतलब पोर्ट किसमें रहेंगे? फॉरवर्डिंग में। पोर्ट किसमें रहेंगे भाई? जब तक बीपीडी रिसीव ही नहीं होगा तब तक लूप बनने का कोई चांस होंगे ही नहीं। तो स्विच उन पोर्ट्स को क्या बना देगा? डीपी, जिसकी वजह से होगा क्या, इस पर्टिकुलर पोर्ट पे बीपीडी रिसीव होगा और इन पोर्ट से क्या चला जाएगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा ना स्विच उस बीपीडी को, और उससे क्या बन जाएगी? लूप। तो तभी हम स्टैटिक ईथर टनल्स कभी भी कॉन्फिगर नहीं करते, क्योंकि वो टेम्परेरी क्या कॉज कर देते हैं नेटवर्क में? लूप। तो जब भी आपको स्टैटिक ईथर टनल कॉन्फिगर करने हैं, देयर इज अ प्रिकॉशन, क्या लेनी पड़ती है आपको? एक प्रिकॉशन क्या है वो, कि यहां भी ईथर टनल बनाओ, पहले इस तरफ भी लिंक्स को क्या करो, इस तरफ भी लिंक्स को क्या करो, शट, फिर दोनों तरफ कौन सी कॉन्फिगरेशन करो, ईथर चैनल, इस तरफ भी किसकी कॉन्फिगरेशन करो, ईथर चैनल की, अब लिंक को क्या करो, नो शट, ये कभी भी लूप फॉर्म ना, कि यहां जब यहां भी ईथर चैनल है तो यहां भी क्या है, ईथर चैनल। क्योंकि याद रखना, जब भी आप स्टैटिक ईथर चैनल बनाते हो तो कोई भी पैकेट एक्सचेंज आपस में नहीं होता। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें आपको तो पूछ सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको। तो मैं स्टैटिक ईथर चैनल यूज क्यों नहीं करता, क्योंकि वो क्या बना देते हैं नेटवर्क में? लूप्स। लूप्स बनते हैं किसकी वजह से? एसटीपी। दिस थिंग इज क्लियर? सर, मेरे पास दो स्विच के बीच में, यार दो स्विच के बीच में दो ईथर चैनल बनाने का लॉजिक, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे पास पहले भी आया हुआ है, ये मैंने इस बारे में सर्च भी किया था। तो ये डिजाइन रिकमेंड ही नहीं करता कि आप दो स्विच के बीच में क्या बनाओ, दो ईथर चैनल, क्योंकि अगर मुझे लिंक की बंडल करने है तो मैं चारों एक ईथर चैनल में नहीं कर लूंगा, दो ईथर चैनल नहीं बनाऊंगा। और अब क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ। नहीं नहीं, वो आठ से ज्यादा वाली बात नहीं है। ये क्या कह रहा है, ये भी एक ईथर चैनल और ये भी क्या एक ईथर चैनल। अब प्रॉब्लम पता क्या आती है, ये स्विच को जब क्या परफॉर्म करनी होती है, लोड बैलेंसिंग, तो एक ही ईथर चैनल यूटिलाइज हो पाता है, कभी दोनों ईथर चैनल यूटिलाइज हो ही नहीं पाते, ये इशू है। तभी मैं दो स्विचेस के बीच में कभी भी दो ईथर चैनल कॉन्फिगर नहीं करता, एक ही ईथर चैनल कॉन्फिगर करता हूं। मैं क्या करूंगा, इन चारों लिंक्स को किसका मेंबर बना दूंगा, एक सेम ईथर चैनल, जिससे मैं चारों लिंक्स को क्या कर पाऊंगा, यूटिलाइज। क्योंकि समझना, अगर तूने दो लिंक बंडल किया, बिट्स कितनी आएंगी, एक, एक बिट से तो मैक्सिमम दो ही वैल्यू आएंगी, जीरो या वन, तो दो ही लिंक यूटिलाइज हो पाएंगे ना, कभी तो तीसरे और चौथे लिंक को यूटिलाइज कर ही नहीं पाएगा। और प्रॉब्लम एक और भी आ सकती है, लूप भी बन सकता है, इफ यू आर कॉन्फिगरिंग टू ईथर चैनल बिटवीन स्विचेस, इट कैन ऑल्सो कॉज लूप्स। हाउ? ऊपर वाले ईथर चैनल से कोई ट्रैफिक आया, वो सेम ईथर चैनल में वापस नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे में तो वापस जा सकता है, तो क्या फॉर्म हो सकते हैं, लूप्स। दिस थिंग इज क्लियर? तो दो स्विचेस के बीच में दो ईथर चैनल नहीं। तो कल पढ़ेंगे डायनामिक ईथर चैनल्स के बारे में, दोनों प्रोटोकॉल्स के बारे में, और प्रैक्टिकल करवाऊंगा, आज बीटीबी का प्रैक्टिकल कर। अगर हमारा इतना चल रहा है तो बंद कर दे, यू कैन डू इट, नो इशू। पर एसटीपी अगर चल रहा होगा तो वो लूप कॉज कर सकता है, मैंने आपको बता दिया, आप उसको बंद भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ईथर चैनल अपना लूप प्रिवेंशन का काम खुद करता है, वो एसटीपी पे डिपेंडेंट नहीं है। स्विच 1 2 3 बहुत है, तीन स्विच तो रुला देंगे।
विजिबिलिटी है भाई। डन, तो टोपोलॉजी ऐसी बना ले। स्विच वन, स्विच टू और स्विच थ्री। सारे लिंक्स को क्या कर दिया? ट्वेंटी वन से ट्वेंटी टू को क्या कर लिया? इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/19 से 24 को फिर क्या कर दिया? शट। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/19 से 22 को क्या कर दिया? नो शट। डायग्राम देख लो यार, बाद में मत बोलना। ये कौन से है? कौन से है? गलत कर गया है ना, कुछ नहीं होता है, इंसान से ही गलती होती है। क्या हो गया? ठीक है, अब हो जाता भाजी। देखो सारे दिन की टेंशन भी तो है यार, कितने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। किससे कनेक्टेड है? थ्री टू से। टू किससे कनेक्टेड है? वन से। और अरे जंगो है भाई, हम क्या बात कर दिया आपने, बिल्कुल ठीक होगा। आ जाएगा भाई, ऐसे मत मेरी तरफ मत देखो। आ गया, देखो देखो मेरी तरफ। सीडीपी की एंट्री नहीं आ रही, मुझे देख रहे हैं। मैंने गलत किया। आ गया ना स्विच टू। वन टू से कनेक्टेड है, टू थ्री से। हाँ भाई, पहले वीटीपी स्टेटस चेक कर ले। सो कमांड क्या है? सो वीटीपी स्टेटस। क्या कह रहा है? रनिंग कौन सा वर्जन है? तो सबसे पहले जो काम करता हूँ, वीटीपी वर्जन कौन सा चला देता हूँ, कौन सा चला देता हूँ। ये स्विच किया बाय डिफॉल्ट सर्वर, ठीक है जी। और क्या करता हूँ, वीटीपी डोमेन नेम कैसे कौन जिक्र करते हैं, आती है आप सबको करनी। वीटीपी डोमेन नाम क्या दूँ? ठीक है जी, आरोही ऐसे ही यार। वीटीपी डोमेन नेम स्विच थ्री पे भी आ जाओ। वीटीपी डोमेन नेम, मैसेज आ गया भाई। ये देखो क्या लिखा है, कर दिया हमने चेंज। दोबारा वीटीपी डोमेन नेम चेंज टू। यार पता है वीटीपी का प्रैक्टिकल करने से पहले स्विच की कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करनी होती है, तभी वीटीपी का प्रैक्टिकल ढंग से होता। तो ये काम कल कौन करके रखेगा? नहीं नहीं मजाक कर रहा था, आज ही कराऊंगा बेटी। ठीक है जी, तो वीटीपी डोमेन नेम क्या कॉन्फिगर कर दिया? आरोही। ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर डोमेन नेम नल कॉन्फिगर्ड होता तो स्विच के बाद अपडेट आता, डोमेन नेम क्या आता उसमें? आरोही। वो आरोही को ही क्या कर लेता? इनहेरिट। ठीक है जी,
तो शो वीटीपी स्टार्टस वर्जन कौन सा चल रहा है वन कोई दिक्कत अब पहले मैं क्या कर देता हूँ इसका दूसरा चल रहा है एक तो एंड पे अब देखो जी ध्यान से मैंने इस पे एक एसवीआई बनाया इंटरफेस वीलैन वन आईपी एड्रेस क्या दिया है इस एसवीआई पे सॉरी जज्बाती हो गया मैं थोड़ा नो ठीक है जी अब शो वीटीपी स्टेटस क्या दिखा रहा है लोकल अपडेटर आईडी क्या है इसकी 1.1.1.1 मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना लोकल अपडेटर आईडी कैसे सिलेक्ट करता है स्विच सर्वर देखता है क्या उस पर कोई एसबीआई कॉन्फिगर्ड है और अगर मल्टीपल एसबीआईज हैं तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे दोबारा नहीं बोलूंगा लोवेस्ट नंबर वीलैन इंटरफेस फाइन उसी को क्या बना लेते हैं अपनी अपडेटर आईडी ठीक है जी अब ये स्विच जब भी किसी को अपडेट करेगा लेट से इसका मोड क्या भाई का सीआर नंबर क्या विलन नहीं है कोई गरीब स्विच है कौन सी विलन बनाए जिंदगी भर 10 या 20 विलन से ही खेलना कुछ एक्साइटमेंट नहीं है तुम्हारी जिंदगी में पल्सर शो विलन आगे शो वीटीपी स्टार्टर सीआर नंबर क्या हो गया अरे ये वाली लाइन पढ़ दो और खुश हो जाओ कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मॉडिफाइड बाय 1.1.1. टाइम देख लो भाई इस टाइम को भी हम ठीक कर देते हैं वक्त तुम्हारा नहीं कहीं खराब चल रहा भाई मेरा तो हो गया इसके हिसाब से भी और असली में भी मेरा हो चुका क्लॉक सेट हाँ भाई टाइम क्या हुआ 19 बजते हैं सात सूत्री बजते मेन क्लॉक है 8 सेकंड कितने हुए मिनट 50 सेकंड कितने हुए भाई बताओ 20 मान लेते हैं तारीख क्या है महीना सेम कमा सेम टाइम किस पे जेब दूंगा सेम टाइम किस पे जेब दूंगा तीनों पे सेम टाइम आ गया अब देखना तुम जादू मेरा शो वीटीपी स्टेटस हाँ भाई एक विलन तो और बना लें टाइम तो तभी अपडेट होगा और कौन सी बनाऊं विलन अभी तो 150 बनाऊंगा पहले पल्सर 135 और पल्सर 100 शो विलन ठीक है शो पीटीपी सीआर नंबर क्या हो गया टाइम चेक कर लो अब 7:50 और 59 सेकंड पे अपडेट हुआ है झूठ बात है सच बात है सच बात दिस थिंग इज क्लियर वर्जन कौन सा चल रहा है 1 सीआर नंबर क्या हो गया तो जैसे जैसे मैं वीलन बनाता जाऊंगा सीआर नंबर क्या होता जाएगा इंक्रीज अब ये अपडेटर आईडी की बात दोबारा तो नहीं करनी कर ली ना बहुत दूसरे स्विच पे चलते हैं जादू देखने अब बताओ विलन कौन सी बनाओ 180 भाई 150 के बाद 180 आई थी पल्सर शो वीटीपी स्टार्ट सीआर नंबर क्या हो गया यहाँ भी ये भाई भी क्या ये क्या बोल रहा है कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मॉडिफाइड बाय 1.1.1.1 एट और किस टाइम पे 7:51:40 सेकेंड ठीक है जी कोई दिक्कत किसी को जब भी हुआ था इस भाई को मैं क्या बना रहा हूँ वीटीपी मोड क्लाइंट अब कौन से स्विच पे आ गया शो वीटीपी स्टेटस इस पे भी सीआर नंबर क्या आ गया भाई और कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मॉडिफाइड बाय कोई प्रॉब्लम और डोमेन नेम क्या है अरोही और इसका भी मोड क्या है तो इस भाई को क्या बना देते हैं ट्रांसपेरेंट वैसे बीच वाले स्विच को बनाना था ट्रांसपेरेंट कोई नहीं ये तो हमने खुद भी बहुत बार चेक किया होगा कि ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देता है इसमें कोई झूठ बात नहीं है
ठीक है जी। अब हम स्विच वन पे आते हैं जी। देखो जी ध्यान से बहुत, मैंने एक और वीलन बनाई, कौन सी? सीआर नंबर क्या हो गया? चार। फिर हो गया ये अपडेट। अब स्विच टू पे चलते हैं, देखते हैं वो अपडेट हुआ। शो वीटीपी स्टेटस, हो गया भाई अपडेट। सीआर नंबर क्या हो गया अभी? चार। और अगर ध्यान से देखो यार, ये स्विच थोड़ा स्लो रिएक्ट कर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, शायद बीमार है, मौसम चेंज हो रहा है ना। कौन सी वीलन आ गई? 200। ओए वीलन नहीं आई क्यों? ट्रांसपेरेंट मोड है। ठीक है, कहीं मेरे से लड़ो सर, वीलन क्यों नहीं है? ठीक है भाई, दिस थिंग इज क्लियर। तो ट्रांसपेरेंट में कोई वीलन बना लूं? 220। ये इंफॉर्मेशन भी कभी प्रोपोगेट कहीं पे नहीं हो। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर। स्विच वन पे आ गया, अब मैं वीलन बनाता हूं। 221, 222, 223, 224। कोई दिक्कत? शो पीटीपी स्टार्ट। सीआर नंबर क्या हो गया? सीआर नंबर हमेशा इंक्रीमेंट होगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कमांड्स, अकॉर्डिंग टू नंबर। मैंने अभी चार वीलन बनाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीआर नंबर चार इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैंने कमांड कितनी चलाई? एक। अब देखो जादू, मैं इसको बंद करी। लेट्स से भाई मैंने वीलन बनाई 350, लेट्स से फिर मैंने वीलन बनाई 500, कितनी कमांड चलाई मैंने अब आपके सामने? वीलन बन गई भाई, कुछ गलत बात तो नहीं थी इसमें? सीआर नंबर क्या हो गया? पांच था भाई पहले, पांच प्लस दो कितना होता है? सात। ठीक है भाई, अगर नेम के लिए कमांड लेंगे तो भी ये ले चला लो। 420, क्या नाम दो इसको, क्या नाम है आपका? बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी, यशपाल भट्टी वही मिया, यशपाल वही मिया, सही में वही मिया का नाम यशपाल है। तीन साल मुझे बात सुन के फिर भी आ गई। यशपाल जी आपका नाम आया नहीं? आ गया जी। कितना इंक्रीमेंट हुआ? एक। नाम नूम वाली कमांड से पूछिए, इंटेलिजेंट बात थी। पहले आपके नाम से वीलन बनाएंगे फिर रिमूव करेंगे। 421, नाम क्या आपका? प्रिंस ऑफ पर्शिया। नो वीलन, ठीक है, बनाई भी और डिलीट भी कर दी। सीआर नंबर कितना बढ़ गया? दो। यही तो दिखाना था भाई। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था? चेंज कर दो एसबीआई वीलन वन से छोटा कौन सा बन जाएगा? सोच ले तू और कुछ भी बदलू। हाँ भाई बता, कौन सी आईपी रखनी है? जीरो। और बता सबसे पास क्या चाहिए? कुछ भी लेता नहीं है ना ये। इसको तो लॉजिकल चीज देनी पड़ती है। शो वीटीपी स्टार्टस होगी, कोई दिक्कत? और बताओ, और किसी को देखना हो अपना नाम वीलन में डलवा के? ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा? जादू, जादू कैसे करूंगा देखो। मैं स्विच थ्री पे जाऊंगा, स्विच थ्री का मोड क्या? ट्रांसपेरेंट। मैं ना उस पर ढेर सारी वीलन बनाने वाला हूँ,
सबसे पहले देखो, मैं ध्यान से देखो क्या करूँगा, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/23 से 24 को क्या मार दूंगा, ट्रंक लिंक ही शट कर दिया स्विच 3 का जो स्विच 2 से कनेक्टेड था, बात खत्म। अब मैं इसको बनाऊंगा सर्वर, वीटीपी मोड बना लिया सर्वर। अब मैं इस पे वीलन बनाने वाला हूँ बहुत सारी, यस लेट्स से मैंने वीलन बना ली इस पे 501। यार एक कमांड से नहीं बनानी, सी आर नंबर बढ़ाना है मुझे, ठीक है? तो ऐसे करेंगे 50 वीलैन, 60 वीलैन, 70 वीलैन, 72 वीलैन, 70। टेबल आता है किसी को? 9 का टेबल, चलो सुनाओ भाई। 9 × 9 ऐसे, दिल में गलत गलत सोचो मेरे बारे में, गलत होगा। क्या हो गया सीआर नंबर? अंदर आ, कर दिया जादू, ठीक है कोई दिक्कत? वीटीवी मोड क्या बना दिया इसका, क्लाइंट बना दिया इसको, और इसका ट्रंक लिंक क्या कर दूंगा, इसको अपडेट किया अब तक? एक मिनट, ट्रंक बंद करो। अब जो ट्रंक की अपनी आया, रुक जाओ सबर रखो। हो गया अपडेट मार दिया, कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मॉडिफाइड बाय 0.0.0. तो वीलन कौन सी वीलन आ गई? आ गई भाई सारी, उस पर जो थी जितनी भी वीलन थी सारी आ गई, दिख रही है आपको? 9 का टेबल पूरा बना हुआ है, दिख रहा है आपको? तो वीलन ये भी अपडेट हो गया अपने आप, ठीक है जी। तो क्लाइंट भी सर्वर को अपडेट कर सकता है, ये चीज दिखानी थी आपको। दिस थिंग इज क्लियर। अब यार एक प्रैक्टिकल है, वो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको खुद करना है। क्या करना है आपको? एक स्विच लेना है, इस पर वर्जन 1 चलाना है, और मोड कौन सा रखना है? ट्रांसपेरेंट। आप वेरीफाई करोगे कि अगर इधर वर्जन 2 है और इधर भी क्या वर्जन 2, तो ये वर्जन 2 की इंफॉर्मेशन सेंड करता है या फिर नहीं करता। क्वेश्चन इज क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इधर भी क्या रखोगे, इधर भी क्या रखोगे, और ट्रांसपेरेंट मोड किसका बनाओगे? 2 का, और देखोगे कि ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है या फिर नहीं करता। मतलब मेरे को वेरीफाई करना है कि अगर डिफरेंट वर्जन चल रहा हो और ट्रांसपेरेंट मोड स्विच एक डिफरेंट वर्जन में हो, तो वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा या फिर नहीं करेगा। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ करेगा, ठीक है, करके देख लेना। नहीं भाई नहीं, देख बीच वाला ही ट्रांसपेरेंट है, तीनों ट्रांसपेरेंट हो गए तो इन्फॉर्मेशन किसकी एक्सचेंज करा रहा हूँ मैं, ठीक है? हो जाता है, बटर जाते हैं लोग। अब बाद में बता देना, ठीक है जी? इतनी बात क्लियर। अब यार हम थोड़ा और खेल लेते हैं। वीटीपी पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, कमांड होती है, क्या सेट करूं? सिस्को 123 से आगे बढ़ जाओ। तो
आलोक 1 2 3 4 ये ले भाई, अरोही 1 2 3 4 रुक लगा इसको आलोक नाथ की याद आ रही है पता नहीं ओ भाई अगला फैन हो आलोक, ठीक है जी। अब पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया, अब याद रखना ये स्विच किसी को अपडेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ये बताया था ना मैंने, ट्रांसपेरेंट मोड में कभी भी पासवर्ड चेक नहीं होता, ये भी याद रखना। हाँ, डोमेन चेक होती है सिर्फ। एक विलन बना लेते हैं भाई यहाँ पे, मैंने विलन क्या बना ली, लेट से कोई खतरनाक सा नंबर लेते हैं। नहीं नहीं अच्छा नंबर है, खतरनाक है वो। 888 आई, 888 विलन नहीं आई, कोई प्रॉब्लम? टेंथ भी वेल आई नहीं, क्या था? हो गया, हो गया ना 4। सबर भाई सबर, होने वाली है क्लास खत्म। कर दिया चेंज, रो क्यों रहे हो? शो VTP, ये कमांड होती है पासवर्ड देखने के लिए, शो VTP। आई अब तक? नहीं आई, क्यों नहीं आई? यार स्विच ने तब इंस्टेंट अपडेट भेजा था जब कुछ चेंज हुआ था, तब उस पे पासवर्ड मैच किया नहीं। अब आपको पीरियोडिक अपडेट के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा या फिर एक इंस्टेंट अपडेट जनरेट करा दो। करवाएंगे कैसे? वीलन बना के, मैं डिलीट करूंगा इस बार एक वीलन। नो वीलन 63 नंबर ही अच्छा नहीं लगता। ट्रिपल 8 आ गई और 63 गायब हो गई, 63 वैनिश। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? सर अगर डोमेन नेम को चेंज करते हैं तो SCR नंबर कम हो जाता है ना भाई? ये लो ये भी देख लो भाई, पाजी ऐसी ऐसी बातें याद दिलाते रहा करो बस। पाजी कह रहे हैं अगर डोमेन नेम को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है जी, जैसे मैंने डोमेन नेम को रख दिया, तो उसका नाम क्या था? शादी का पूजा, बहुत सारे नाम थे। सुबह सुबह उठता हूँ तो नाम याद होते हैं ऐसे, तो भूल जाता आदमी शाम तक। यार यार नाम क्या था उस हीरो का फिल्म में? अरे जैकर। डोमेन नेम चेंज कर दिया, CR नंबर क्या हो गया भाई? यही बात, अगर मैं डोमेन नेम को चेंज कर देता हूँ CR नंबर क्या हो जाता? 0। तो VTP मैंने दोबारा क्या कर दिया, ठीक है जी। आगे चले हम, आपको VTP वो चेंज करना है, क्या बोलते हैं उसको, वर्जन VTP वर्जन। हर स्विच पे VTP वर्जन क्या हो जाएगा? तो याद रखना हमेशा कहाँ चेंज करना होता है, सिर्फ सर्वर। अब किसी ने क्या किया, क्लाइंट पे वीलन बनाने की कोशिश करी, कह रहा मैं तो बना के दिखाऊंगा। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, वीलन 105 क्या बोल रहा? डिवाइस किस में है? क्लाइंट मोड में। आपको वीलन बनाना अलाउड नहीं कर, दिस थिंग इज क्लियर। आगे चले, एक चीज और, प्रूनिंग। हाँ और क्या, ज्यादा पीरियोडिक अपडेट, पीरियोडिक अपडेट सर्वर अपने आप भेजता 300 सेकंड के बाद। हाँ जी, वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, एक मिनट यार, VTP प्रूनिंग के लिए एक राउटर भी चाहिए। और पिछला हफ्ता तो आपको बढ़िया गया, मौज की जिंदगी है। थर्सडे की भी छुट्टी, फ्राइडे की भी, सैटरडे की भी, संडे की भी, मंडे की।
अरे लास्ट में ले जा रहा है चल भाई हम लोग ये करते हैं hostname interface fa 0 slash 0 ip address दे रहे हैं बताओ तुम कहोगे तो दे दूंगा वरना बिना दिए भी काम चल जाएगा मेरा तो ये लो बस कितना स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है ठीक है जी जैसे एफ ए जीरो स्लैश जीरो यहां पाया यहां पे एफ ए जीरो स्लैश वन आप आ गया क्योंकि आर वन का एफ ए जीरो स्लैश जीरो स्विच वन के एफ ए जीरो स्लैश वन से कनेक्टेड है ठीक है जी तो यहाँ शो सी डी भी नेबर करा के चेक करा देता हूँ एक बार भाई रुक जाओ ना यार तुम ऐसे मेरी तरह मत देखा करो अब पहन आ जाएगा भैया एक मिनट मैं आर वन पे चला जाऊँ एक बार बैठना तो पड़ेगा ये एक मिनट क्या यार रुक जाओ एक बार आपको गलती बता देता हूँ कल से जिस रैक पे भी हम प्रैक्टिकल करेंगे उस रैक को पहले क्लीन किया करेंगे ठीक है जी 10 मिनट लगते हैं ऐसी दिक्कत आ गई यार अरे कौन भोचू आदमी था अब आ गया एयरपोर्ट आ जाएगा शो इंटरफेस कनेक्टेड आ गया शो स्पैनिंग ट्री व्हील एंड टर्न दिखाऊं आ गया पोर्ट यहाँ अभी आ गया भाई आ जाओ तो 120 तक जाने दो एक बार आ गया आ गया क्यों नहीं आ रहा था वो पोर्ट वीलन 10 में पड़ा था और वीलन 10 स्विच पे एग्जिस्ट नहीं करती थी ठीक है जी थिंग इज क्लियर हाँ सच में यही केस था भाई वीलन 10 स्विच पे एग्जिस्ट नहीं करती थी अभी मैंने बनाई है दोबारा वीलन में क्या लिखा तो अब देखो हमारा केस क्या है स्विच वन पे एक वीलन 10 में यूजर पड़ा है तो स्विच वन स्विच टू को क्या बोलेगा दैट आई हैव एक्टिव यूजर इन वीलन 10 प्लीज सेंड मी ब्रॉडकास्ट फॉर वीलन 10
तो स्विच 2 अपने इन पोर्ट्स को VLAN 10 के लिए किस पे रखेगा? फॉरवर्डिंग में, एग्री। लेकिन स्विच 1 अपने इन पोर्ट्स को क्या कर देगा? VLAN 10 के लिए प्रूव। ठीक है, चेक कर लें इस चीज को। तो सबसे पहले VTP प्रूनिंग एनेबल कैसे करते हैं? VTP कमांड किस पे चलेगी? सर्वर। वेरीफाई कैसे होगी? शो VTP स्टेटस। प्रूनिंग क्या कर दिया मैंने? टू पे भी वेरीफाई कर लें, शो VTP स्टेटस। प्रूनिंग क्या हो गई है? एनेबल। थ्री पे भी वेरीफाई कर लें, प्रूनिंग क्या हो गई है? डन। क्लिक कर भाई, किसी को, किसी को होनी भी चाहिए। शो इंटरफेस ट्रा। देखो जी, स्विच वन पे देख रहा हूं मैं, पोर्ट नंबर 21 फॉरवर्डिंग में पड़ा होगा और 22 क्या होगा? ब्लॉक बिकॉज ऑफ एसटीपी। ठीक है जी, तो इसने 1 और 10 के अलावा बाकी सारी विलेंस को क्या कर दिया? प्रून। क्या कर दिया? प्रून। क्यों करा है प्रून? क्योंकि बाकी किसी भी विलेन के लिए इसके बाद एक्टिव यूजर नहीं। अभी और भी अच्छी तरह दिखाऊंगा इस चीज को, वेट करो थोड़ी देर। लेकिन इसके पोर्ट नंबर 21 पे देखो 10 प्रून नहीं है, पोर्ट नंबर 21 पे 10 प्रून नहीं है, क्योंकि स्विच 1 स्विच 2 को क्या बोल रहा है? मेरे पास क्या है? एक एक्टिव यूजर है। कौन सी VLAN में? VLAN 10 में। अरे इसमें भी कोई पोर्ट पड़ा होगा VLAN 10 में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कहाँ है? शो इंटरफेस। अभी भी 10 को प्रून नहीं किया इसने, तो लेना चाहिए यार। एक मिनट जी, बाकी सारी को VLAN को प्रून कर दिया। देख लो आप, ये जितनी VLAN है ना बाकी सारी इन ट्रंक पोर्ट पे क्या है? प्रून। ये कौन सी VLAN दिखा रहा है जो प्रून नहीं? तो क्या पता 3 पे ना हो कोई पोर्ट। शो VLAN 10 यहां भी है, पोर्ट तो है। ठीक है जी, मैं आपको 2 पे रिजल्ट वेरीफाई कराता हूँ। शो इंटरफेस। तो 2 पे देखो, इसने VLAN 10 को प्रून नहीं किया 21 नंबर पोर्ट पे। 21 नंबर पोर्ट कौन सा? ये वाला, क्योंकि 21 नंबर पोर्ट पे इसको क्या मैसेज मिल रहा है? स्विच वन बोल रहा है कि मेरे पास एक एक्टिव यूजर है। कौन सी VLAN में? VLAN 10 में। मुझे क्या फॉरवर्ड करो VLAN 10 के लिए? ब्रॉडकास्ट। तो ये पर्टिकुलर पोर्ट कभी भी VLAN 10 के लिए प्रून नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर? अब 2 भी 3 को क्या बोल रहा होगा कि मेरे पास भी क्या VLAN 10 में एक एक्टिव यूजर है? एक मिनट रुक जाओ जी, हम चलते हैं अब 3 पे। शो इंटरफेस। बाकी सारी VLAN क्या हो चुकी है? प्रून हो चुकी है, दिख रही है आपको? ठीक है जी, और फॉरवर्डिंग में सिर्फ कौन सी पड़ी है? 10। अब 2 का पोर्ट देखते हैं। अब 2 के पोर्ट देखो जी, देखो जी, शो इंटरफेस। यहां देखो अब मेन चीज, पोर्ट नंबर 23 पे देखो सिर्फ कौन सी VLAN अलाउड है? 1। ये कौन से पोर्ट की बात कर रहा है? 23-24 ये पोर्ट है, इस पोर्ट की बात कर रहा है। इसमें बाकी सारी VLAN क्या हुई पड़ी है? प्रून। क्यों VLAN प्रून हुई पड़ी है? क्योंकि ये स्विच क्या बोल रहा है? मेरे पास किसी VLAN में एक्टिव यूजर नहीं है, इसलिए उसने बाकी सारी VLAN को क्या कर दिया? प्रून कर दिया। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम यार किसी को? नहीं। तो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे सिर्फ कौन सी VLAN अलाउड है? 1। और याद रखना, VLAN 1 को प्रून नहीं कर सकता। लास्ट कमांड रिलेटेड टू प्रूनिंग, शो ये क्या लिखा हुआ है? VLANs pruned for lack of request by neighbor। मैंने अपने इंटरफेस नंबर 21 पे कौन सी VLAN प्रून कर दी? इन VLANs के लिए नेबर ने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी। ठीक है जी, और मैंने
अपने नेबर से कौन सी वीलैन में एक्टिव यूजर बताए हैं। मैंने अपने नेबर को कौन सी वीलैन में एक्टिव यूजर बताए हैं, वो कौन सी वीलैन है, वन और टेन, कौन से पोर्ट पे, 21 पे, और मैंने प्रून कौन सी की है, ये सारी, क्योंकि इन सब के लिए मेरे नेबर ने कोई रिक्वेस्ट मुझे नहीं भेजी। वीटीपी प्रूनिंग के लिए मैसेज कौन सा यूज होता है, वीटीपी ज्वाइन, ठीक है जी। ये आपका प्रैक्टिकल है, आपका लास्ट क्लास में बताया था कि मैं पर इंटरफेस के हिसाब से बताऊंगा, तो मैं कैसे, यार वो सिर्फ पता है क्या दोस्त, ये वो अगर तू बुक में पढ़ेगा ना थोड़ा सा तुझे समझ नहीं आ रहा। ये कमांड है, ये चारों मैंने आपको पैटर्न यूज करने बताए थे, अगर आपको याद हो, याद है ना। तो जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रूनिंग हो रही है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, मैनुअल प्रूनिंग। एक पर्टिकुलर पोर्ट पे मैं इस विलन को प्रून करना चाहता हूँ, तो वो मैं मैनुअली भी पोर्ट पे ऐड कर सकता हूँ, पर कहानी कुछ बदल जाएगी।